नमस्कार, हम पाणिनी शिक्षा के अनुसार वर्णों का उच्चारण स्थान देख रहे हैं। अभी तक हमने कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, इन सभी स्थानों से वर्णों का उच्चारण कैसे किया जाता है, इसको हमने पिछले वीडियोस में देखा था। पाणिनी शिक्षा के अनुसार इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान दंत बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ यह एक वर्ण का उच्चारण स्थान देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस वर्ण का उच्चारण कैसे किया जाता है। यह माहेश्वर सूत्र का 5वां स्वर वर्ण है और पाणिनी शिक्षा के अनुसार इस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है, जिसका उच्चारण इस प्रकार से होता है, लु लु। ध्यान से इस वर्ण का उच्चारण आप इस वीडियो में देखिए और मेरे साथ इस वर्ण का उच्चारण कीजिए। अगर आपने मेरा संस्कृत में स्वर इस वीडियो को देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि लु इस वर्ण के 2 ही भेद होते हैं, ह्रस्व और प्लुथ। दीर्घ रूप नहीं होता है। वास्तव में स्वर लु के 12 प्रकार होते हैं और यह सारे 12 प्रकार दंत स्थान से उच्चारित होते हैं। लु के 12 प्रकार के उच्चारण हम जब उदात, अनुदात और स्वरित का वीडियो करेंगे तब हम उस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। प्लुत लु का उच्चारण इस प्रकार से होता है, लु। प्लुत स्वर क्या होता है, इसको मैंने विस्तार से संस्कृत में स्वर इस वीडियो में बताया है। वह वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपको समझना है कि प्लुत स्वर किसे कहा जाता है। संस्कृत रटने की भाषा नहीं है, संस्कृत समझने की भाषा है। हम सब जानते हैं कि संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है, यानी कि एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, तो क्यों ना हम इसे वैज्ञानिक ढंग से समझें। तो वैज्ञानिक ढंग से हम इस श्लोक का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हम यहाँ पे जिस श्लोक का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं वह पाणिनी शिक्षा का है और पाणिनी शिक्षा के कई सारे श्लोक ध्वनि विज्ञान पर आधारित है, यानी कि द साइंस ऑफ साउंड, जो ध्वनियों का विज्ञान है उस पर आधारित है। और यहाँ पे मैं जिस ध्वनि की बात कर रही हूँ वो हम मनुष्य के जो भीतर, यानी कि इंटरनल आंतरिक जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, उस ध्वनि विज्ञान के बारे में बात कर रही हूँ। आगे जब हम वेदों का पाठ करेंगे तब हम वहाँ पे यह भी देखेंगे कि आंतरिक ध्वनि हम इंसानों के भीतर जो होती है वह किस प्रकार ब्रह्मांड की ध्वनि से जुड़ी हुई है। ध्वनि और ब्रह्मांड ये दोनों किस तरह से जुड़े हुए हैं, इन दोनों का अनंत रिश्ता हम आगे के वेदों के श्लोकों में भी पढ़ेंगे। पर अभी इस श्लोक के लिए मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि यहाँ पे हम जिस ध्वनि की बात कर रहे हैं वह मनुष्य के जो भीतर ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि इंटरनल आंतरिक ध्वनि होती है, उसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। और यह ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यानी कि उच्चारण कैसे कर पाता है मनुष्य, इसको मैंने उच्चारण का विज्ञान द साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन वीडियो में बताया है। वह वीडियो आप जरूर देखिएगा, वह भी वीडियो आपको संस्कृत प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वायु, नाद, श्वास, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो ध्वनि विज्ञान से संबंध रखती है और जिनका विस्तार से उल्लेखन शिक्षा वेदांगों में मिलता है। शिक्षा वेदांग के अंतर्गत पाणिनी शिक्षा का ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इसमें कई सारे श्लोक ध्वनि विज्ञान पर आधारित है। तो ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से इस वर्ण का दंत स्थान इसलिए कहा गया है क्योंकि वायु दंत स्थान पर संचरण करता है, यानी कि वायु
दंत स्थान पर गतिवान होता है, संचरण करता है, मोशन में होता है। संचरण का अर्थ होता है गतिवान होना, मोशन में होना। तो बेसिकली वायु दंत स्थान पर संचरण करता है, मोशन में होता है या गतिवान होता है जब हमारे मुख से लू इस वर्ण का उच्चारण होता है। और हमने उच्चारण का विज्ञान उस वीडियो में भी देखा था कि वायु जिस स्थान पर संचरण करता है वह स्थान उस वर्ण का उत्पत्ति स्थान बन जाता है। तो इसीलिए लू इस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है। पर एक इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण बात ध्वनि विज्ञान के संबंध में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि वायु वर्ण की उत्पत्ति में तभी समर्थ होता है जब मनुष्य वर्ण को उत्पन्न करने का प्रयत्न करे। एक बार मैं फिर से मेरा स्टेटमेंट रिपीट करती हूँ कि वायु वर्णों की उत्पत्ति में तभी समर्थ होता है जब मनुष्य वर्णों को उत्पन्न करने का प्रयत्न करे। प्रयत्न यानी कि एक एफर्ट करे। ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न क्या होता है इसको मैं विस्तार से फ्यूचर के वीडियो प्रयत्न में बताऊंगी, पर अभी के लिए मैं आपको संक्षेप में या शॉर्ट में बता देती हूँ कि यहाँ पे प्रयत्न किसे कहा जाता है। हम मनुष्य जब बोलते हैं या हमारे मुख से हम कोई भी वर्ण को उत्पन्न करते हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रयत्न होता है। बिना प्रयत्न के वर्ण उत्पत्ति संभव नहीं है। और यह प्रयत्न बेसिकली हमारे मुख के अंदर होता है और हमारे मुख के बाहर होता है। और इसीलिए जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तब हमारा मुख अलग अलग तरीकों से एडजस्ट होता है, यानी कि अलग अलग वर्ण बोलने पर हमारा मुख अलग अलग तरीकों से एडजस्ट होता है और मुख का यह एडजस्टमेंट प्रयत्न की वजह से होता है। तो जब मैं लू इस वर्ण का उच्चारण करती हूँ तब उसका प्रयत्न जो होता है उसे विवृत प्रयत्न कहा जाता है। विवृत प्रयत्न का अर्थ होता है कि हमारी जो जीवा होती है वह उच्चारण स्थान से दूर रहती है और यहाँ पे दंत इस वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो हमारी जीवा दंत स्थान से दूर रहती है जब मैं लू इस वर्ण का उच्चारण करती हूँ। अगर आप ध्यान से इस वीडियो में देखेंगे तो मेरी जीवा दूर है दंत स्थान से। और पाणिनि शिक्षा का यह श्लोक नंबर 38, ये श्लोक नंबर 38 को हम प्रयत्न के वीडियो में विस्तार से समझेंगे, पर पाणिनि शिक्षा का यह श्लोक नंबर 38 के बारे में मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बता देती हूँ। यह श्लोक बोलता है कि संस्कृत के जो सारे स्वर होते हैं वह अस्पृष्ट होते हैं। अस्पृष्ट का अर्थ होता है कि हमारी जो जीवा होती है वह किसी भी स्थान को स्पर्श नहीं करती है। वायु का जो फ्लो होता है वो बिना किसी रुकावट के स्वर वर्णों को उत्पन्न करता है। व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए हमारी जीवा किसी न किसी स्थान को स्पर्श करती है और इसीलिए व्यंजनों को स्पृष्ट प्रयत्न कहा जाता है, क्योंकि हमारी जीवा किसी न किसी स्थान पर स्पर्श करती है। पर जब हम स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं तब हमारी जीवा किसी भी स्थान को स्पर्श नहीं करती है और वायु बिना किसी रुकावट के स्वर वर्णों को हमारे मुख से उत्पन्न करता है। और इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि अगर आप ऊ बोलते हैं तो आपकी जीवा किसी भी स्थान को स्पर्श नहीं करती है। आप अगर स्वर ई बोलते हैं तभी भी आपकी जीवा तालु स्थान को स्पर्श नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि सारे स्वर वर्ण अस्पृष्ट होते हैं। ठीक इसी तरह जब हम इस स्वर वर्ण लू का उच्चारण करते हैं तब हमारी जीवा उच्चारण स्थान यानी कि दंत स्थान से दूर रहनी चाहिए। कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि इस वर्ण का उच्चारण वह गलत करते हैं। हिंदी भाषा में यह वर्ण होता नहीं है और लौकिक संस्कृत में यह वर्ण संधि होने के कारण बदलता है। यह वर्ण शुद्ध रूप में सिर्फ वैदिक संस्कृत में ही होता है। तो कई सारे लोगों को इस वर्ण का सही उच्चारण पता नहीं है। तो आपको इस वर्ण का अगर सही उच्चारण करना है तो यह वीडियो का क्लिप देखिए और ध्यान रखिए कि जब आप इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तब आपकी जीवा दंत स्थान से दूर रहनी चाहिए। तो अगर आप इस वर्ण का उच्चारण करते समय अगर आपकी जीवा दंत स्थान को स्पर्श करती है तो यह गलत उच्चारण है। इस प्रकार यह गलत उच्चारण है क्योंकि इस वर्ण को उच्चारण करते समय जीवा उच्चारण स्थान यानी कि दंत स्थान से दूर रहनी चाहिए। तो तीन महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है जब आप लू वर्ण का उच्चारण
करते हैं। सबसे पहली बात, यह एक स्वर वर्ण है जिसको आप सिर्फ वैदिक संस्कृत में देखेंगे। लौकिक संस्कृत में इसको आप देखेंगे पर इसका एक संधि रूप देखेंगे जिसकी हम चर्चा आगे की वीडियोस यानी कि फ्यूचर के वीडियोस में करेंगे। और हिंदी वर्णमाला में भी इस वर्ण का प्रयोग नहीं होता है। यह वर्ण अपने मूल रूप में सिर्फ वैदिक संस्कृत में दिखाई देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है। और जब मैं यह कहती हूँ कि उच्चारण स्थान दंत है तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि वायु इस स्थान पर संचरण होता है, इस स्थान पर गतिवान यानी कि मोशन में होता है और इसीलिए इस वर्ण का यह उच्चारण स्थान बन गया है, क्योंकि वायु का जो फ्लो या संचरण होता है वह दंत स्थान से होता है। तीसरी बात कि जब हम इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तब हमारी जीवा दंत स्थान से दूर रहनी चाहिए। जरा सोचिए कि इन दो वर्णों में क्या अंतर है। हमने इस वीडियो में इस स्वर वर्ण का तो उच्चारण स्थान समझ लिया है और सीख भी लिया है, पर क्या आप जानते हैं कि इस वर्ण का कैसे उच्चारण होता है? यह दो अलग अलग वर्ण है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, यह तो अलग अलग वर्ण है। बहुत सारे लोगों को यह गलत फैमिली हो जाती है कि दो वर्ण एक ही है, पर नहीं, ये दो अलग अलग वर्ण है। इन दो वर्णों में क्या अंतर है इसको हम विस्तार से यानी कि डिटेल में अगले वीडियो में समझेंगे। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होगा कि कुछ कुछ टॉपिक्स पर हम वीडियोस नहीं बनाएंगे, हम आर्टिकल्स लिखेंगे, तो उन आर्टिकल्स को हम पब्लिश vedasunderstanding.com इस वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे। तो इस वेबसाइट को विजिट करिएगा और वहाँ पे आपको सब्सक्राइब दिखेगा, तो वहाँ पे आपका ईमेल आईडी और नाम दोनों लिखिएगा ताकि कि हमारे नए आर्टिकल्स आप तक पहुँच पाए। और इस वेबसाइट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे नए वीडियोस के अपडेट्स आपको तुरंत मिल पाए तो सब्सक्राइब बटन दबाते वक्त बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि के नए वीडियोस के अपडेट्स आपको तुरंत मिल पाए। और अगर आप मानते हैं कि हमारे वीडियोस महत्वपूर्ण है और किसी को काम आएंगे तो उनको शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।